नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। इंडिया साउथ अफ्रीका स्पेशल रन तंत्र देख रहे हैं आप। इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्यों बउआ भाई? विराट कोहली की वजह से। वैसे कोई नई बात तो है नहीं, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के सौर मंडल का वो सूरज है जिनके चारों ओर बाकी के ग्रह चक्कर लगाते हैं। वैसे साउथ अफ्रीका दौरे से पहले उनका कप्तानी से हटाया जाना न्यूज में रहा, उसके बाद कप्तानी पर दिया बयान न्यूज में रहा, लेकिन अगर ये सब स्यापा न भी हुआ होता तो भी न्यूज में रहते विराट कोहली। इसकी वजह थी कि अफ्रीका दौरे से पहले विराट ने 97 टेस्ट खेले थे, यानी इस दौरे का तीसरा टेस्ट केप टाउन टेस्ट विराट कोहली का 100वां टेस्ट होने वाला था। फैंस खुश थे कि चलो बल्ले से ना सही, कोहली कहीं तो सेंचुरी मार रहे हैं। केप टाउन टेस्ट से पहले कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अनाउंस कर दी थी, यानी गॉसिप के लिए और मसाला मिल जाता। लेकिन जोहान्सबर्ग टेस्ट यानी आज जब कोहली को अपना 99th टेस्ट खेलना था, उसकी जगह टॉस पर केएल राहुल आए। फैंस को धक्का लगा कि विराट कोहली को क्या हुआ। लेकिन फिर इंडिया के 34वें टेस्ट कप्तान बने केएल राहुल ने क्लियर किया कि कोहली की पीठ में दर्द होने की वजह से उन्हें इस टेस्ट में आराम दिया गया है। विराट के फैंस को पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि उनकी पीठ का दर्द उस खंजर की वजह से नहीं है जो आप लोगों को लगता है कि बीसीसीआई ने विराट की पीठ में घोंपा है। खैर, अगले टेस्ट तक विराट कोहली रिकवर कर जाएंगे। इसी शुभकामनाओं सहित हम उन्हें गेट वेल सून बोलते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राहुल द्रविड़ के अंडर में कप्तानी करने वाले केएल राहुल तीसरे कप्तान हैं। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, राहुल द्रविड़ के कोच बनने के बाद से इंडियन टीम का कोई भी कप्तान अभी तक टॉस नहीं हारा है। भाई साहब, केएल राहुल ने भी जोहान्सबर्ग टेस्ट में टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला लिया। वैसे मेरे ख्याल से शायद क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेम नाम की जोड़ी कोच और कप्तान की बनी है। बोले तो राहुल राहुल, सारे राहुल जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं भाई साहब, सिवाय खत्म। सर आगे बढ़ते हैं, पहले बल्लेबाजी करने केएल राहुल और उनके बेस्ट फ्रेंड मयंक अग्रवाल क्रीज पर उतरे। दोनों ने एक बार फिर से अच्छी शुरुआत करी, लेकिन 26 के स्कोर पर जब अग्रवाल जी के लड़के को पवेलियन भेजा गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका वालों की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। अचानक से उनमें उरी मूवी वाले विक्की कौशल का जोश आ गया। टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए ऑलिवर ने चेतेश्वर पुजारा का विकेट लेकर उनकी टेस्ट क्रिकेट से विदाई का माहौल बना दिया है। 4 नंबर पर जनरली विराट कोहली खेलने आते हैं, लेकिन उनके नहीं आने पर किसी ने उन्हें मिस नहीं किया, क्योंकि अजिंक्य रहाणे बिल्कुल कोहली की तरह ही आउटसाइड ऑफ स्टंप जाती गेंद को छेड़कर आउट हो गए। लंच तक आते आते टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन हो गया था। लंच के बाद भी अफ्रीकियों ने अपना दबदबा जारी रखा। इंडियन टीम में वापसी कर रहे हनुमा विहारी 20 रन बनाकर चलते बने। इन सब विकेट की पतझड़ के बीच केएल राहुल ने अपनी कप्तानी का जश्न 50 मारकर बनाया, लेकिन हमारी सांसें तब फूल गई जब 50 के स्कोर पर उनका भी विकेट गिर गया। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, रन बने थे सिर्फ 116। क्या बोला? लेकिन अश्विन और पंत ने मिलकर चाय तक टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 142 कर दिया था। चाय से तुरंत आने के बाद सबसे पहले तो पंत का अंत हुआ, और फिर जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी 1 रन नहीं बना पाए तो हम समझ गए कि इंडिया वालों का दिन बुरा है, क्योंकि जब लॉर्ड स्वयं स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर इंसानी खिलाड़ियों की क्या बिसात। वो तो भला हो अश्विन भैया का, जिन्होंने केएल राहुल के बाद इंडिया का हाईएस्ट स्कोर बनाया। उनके 46 रनों की बदौलत टीम इंडिया 200 के पार पहुंच गई और 202 पर ऑल आउट हो गई। जवाबी कार्रवाई में टीम इंडिया को भी साउथ अफ्रीका का ओपनिंग स्टैंड तोड़ने में सिर्फ 23 गेंद लगी। मार्करम 7 रन के स्कोर पर कम हो गए, और ये कारनामा किया अभी तक इस टूर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे शमी ने। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को मंडे ब्लूज बिल्कुल वैसे ही फील हुआ जैसे साल के पहले मंडे को काम पर जाते हुए हमें फील हुआ। दिन का खेल खत्म हुआ, साउथ अफ्रीका 1 विकेट के नुकसान पर 35 बना लिया है। एल्गर और पीटरसन अभी भी क्रीज पर हैं, और साउथ अफ्रीका इंडिया की पहले इनिंग के स्कोर से सिर्फ 167 रन पीछे है। आपको क्या लगता है, कल हम साउथ अफ्रीका को लीड लेने से रोक पाएंगे, या फिर साउथ अफ्रीका वाले दूसरे टेस्ट मैच में कमबैक कर जाएंगे? कमेंट करके हमें बताना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। मिलते हैं आपसे कल शाम खेल खत्म होने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद।